Hi everyone, welcome to Race IIT. So my dear friends, today I am here to discuss 5 supermost sample pattern problems for your forthcoming JEE Advanced exams from ratios and identities. You can expect 5 most important questions from ratios and identities. You can expect most expected questions from ratios and identities clear for your JEE Advanced exams. So my dear friends, all clear. So in JEE Advanced में मेरा एक सीरीज चल रहा है, so that is Ranker's Math Series. Ranker's Math Series for JEE Advanced aspirants. It contains 250 video lectures, and each lectures consist of 5 questions. Out of 5 questions, some of them are from past JEE Advanced, and some of them are very good conceptual questions. So my dear friends, already Ranker's Maths के लिए मैंने इतना 15 chapters complete कर चुका हूँ, क्लियर. सो जैसा देखो सीक्वेंस पूरा अलजेब्रा में परम्यूटेशंस एंड प्रोबेबिलिटी छोड़कर तो पूरा हो गया. देखो सीक्वेंस सीरीज के 10 लेक्चर है, क्लियर. इस पे 10 ऐसा करके सो माय डियर फ्रेंड्स 100 का करीब लेक्चर्स हो चुका है, क्लियर. सो मेरा टारगेट है 150 वीडियो लेक्चर्स पूरा सिलेबस को कवर करेंगे. एंड सो दिस इज 1300 का करीब 1250 प्लस, क्लियर. सो दिस इज 250 लेक्चर्स टू 1250 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लियर. वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होगा एंड पास्ट JEE एडवांस क्वेश्चंस होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू क्रैक JEE एडवांस एग्जाम्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू फॉलो मी, फॉलो माय चैनल, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस एंड सॉल्व this type of problems properly. So my dear friends, then you can change your destiny. Today we will discuss 5 supermost sample pattern problems for your forthcoming JEE Advanced exams from ratios, trigonometry, ratios and identities. And this is strictly for JEE Advanced aspirants, not for JEE Mathematics set or any other JEE exams. That's all. Now we will discuss 5 supermost sample pattern problem for your forthcoming JEE Advanced exams. So my dear friends, you can expect 5 most important questions from ratios and identities. Also you can expect 5 most expected questions from ratios and identities. इस टाइप का questions का पूछने का possibility बहुत ज़्यादा है, clear. So my dear friends, जब भी इस टाइप का questions होगा, clear, just apply your presence of mind, nothing else. So this is cosec 10 degree, and here इसे लिखो 1 by sin 50, and so this is 1 by sin 70, clear. So this is 1 by sin 10 degree, and इसका LCM ले लो. So this is sin 70, and so this is sin 50 है. So it will get sin 70 minus sin 50, ठीक है. So this is sin 10 degree, and what is sin c minus sin d? So that is 2 cos c plus d by 2 है. So that is what, cos 60 degree into sin c minus d by 2 है. So that is what, sin 10 degree. नेक्स्ट क्या है, सो दिस इज साइन 70 एंड सो दिस इज साइन 50 डिग्री. अभी पूरा का एलसीएम ले लो. सो दैट इज साइन 50, ठीक है, साइन 10 एंड सो दिस इज साइन 70. सो दिस इज साइन 70 एंड सो दिस इज साइन 50. कॉस 60 हाफ है 2, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया. सो इसका साथ मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज साइन स्क्वायर 10 डिग्री. अभी क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज 2 साइन 70 साइन 50 एंड सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर 10 डिग्री. सो नीचे क्या है देखो, इसको 1/4 इंटू 4 कर लो, 4 साइन 50. सो दिस इज साइन 10 एंड साइन 70, ठीक है. देखो 2 साइन ए साइन बी का मतलब क्या है, कॉस ए माइनस बी कॉस 20, एंड हियर माइनस कॉस ए प्लस बी सो कॉस 120. और ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस 20, ठीक है. और नीचे क्या हो रहा है देखो, 1/4 और ये साइन 30 है, ठीक है. साइन 30 ये जो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया था, सो दिस इज 1/2 हो जाए. साइन 30 का मतलब क्या है, सो दैट इज़ 1/2 है, ठीक है. यहीं पे देखो ए इसका साथ तो कैंसिल हो गया. अभी क्या होगा, सो दैट इज़ cos 120 माइनस हाफ, सो दिस इज़ 1 प्लस 1 बाई टू और नीचे क्या है 1 बाई 4 है, सो दैट इज़ 3 बाई 2 इंटू 4 बाई 1 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज़ इक्वल टू 6 है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन का ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ना जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई एग्जाम एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज़ द राइट वन. Now you will learn about these questions. ठीक है. सो ये भी मुझे अच्छा लगता है. जस्ट ये डिफ़िकल्ट नहीं है. जस्ट अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो दैट मीन्स क्या, सपोज यहीं पे क्या मिल रहा है, देखो क्वेश्चन 2. सो दैट इज़, इसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया. सो दिस इज़ कॉस 4 थीटा माइनस, ठीक है, साइन 4 थीटा. So what will get where theta is equal to pi by 2/4. So this is cos square theta minus sin square theta and cos square theta plus sin square theta. So this is 1. ये क्या होगा cos 2 theta. cos 2 theta means क्या, cos इसको theta 2 से multiply करो pi by 12. pi by 12 means क्या cos 15 degree. cos 15 degree का value क्या है रूट 3 प्लस 1 टू रूट 2. ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करो रूट 6 प्लस रूट 2 एंड सो दिस इज 4 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस टाइप का क्वेश्चंस जनरली ज़्यादा पूछा जाता है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर. इसी टाइप का क्वेश्चंस को पहले समझो, फिर अच्छा से प्रैक्टिस करना. ठीक है. Now another questions. So this is if alpha plus gamma equal to 2 beta, then the expression simplifies to so like this. So here a to x has sin alpha minus sin gamma and so this is cos alpha minus cos gamma. अभी sin c minus sin d. ठीक है. sin c minus sin d क्या होगा देखो. So this is 2 cos c plus d by 2 and sin alpha minus gamma by 2. नेक्स्ट क्या है देखो cos c माइनस cos d ट्वाइस साइन, ठीक है, ट्वाइस साइन c प्लस डी बाई टू अल्फा प्लस गामा बाई टू एंड साइन क्या होगा, सो दैट इज़ गामा माइनस अल्फा बाई टू. ठीक है. ये 2 कैंसिल, देखो ये दोनों कैंसिल होने के लिए बाहर एक माइनस आएगा तो ये कैंसिल कर दिया. सो दैट इज़ व्हाट, सो दिस इज कॉट ऑफ, ठीक है, ऊपर कॉस है और नीचे क्या है देखो, सो दैट इज साइन है. ठीक है. तो इट विल गेट कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 है. अभी अल्फ़ा प्लस गामा, सो दैट इज़ इक्वल टू 2 बीटा, 2 बीटा बाई 2. सो दिस इज़ 2 बीटा बाई 2. सो दैट इज़ इक्वल टू इज़ व्हाट माइनस कॉट बीटा. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज़ द राइट वन. इसी टाइप का क्वेश्चंस थोड़ा करने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना चाहिए. ठीक है. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है. क्लियर. इस टाइप का क्वेश्चंस देकर बच्चे लोगों को इजीली बेवकूफ़ बना सकता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस होगा आपको कैसे इसको प्रोसीड करना है, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 है. ठीक है. सो दिस इज, इसको क्या करोगे, सो दैट इज़ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा. अभी क्या करो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो. सो दैट इज़ व्हाट 4 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. इसे लिखो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सो दैट इज़ व्हाट 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा. ठीक है. एंड इसको इधर लेके जाओ. सो दैट इज़ व्हाट, सो दैट इज़ माइनस 3 है. अभी 5 साइन स्क्वायर थीटा, इसको 15 हो रहा है. सो दिस इज़, यू कैन राइट, सो दिस इज़, इसको लिखो 5 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है. सो दिस इज़ 5 साइन थीटा माइनस 1 प्लस 3 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. सो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, सो दैट इज़ 1 एंड हियर इज़ माइनस 3/5 है. ठीक है. क्लियर. सो जब साइन थीटा देखो, जब साइन थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है, साइन थीटा जब 1 है, सो कॉस थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज़ 0 है. तो इस पे आप पुट कर दो. ठीक है. so that is what will get, जब sin theta 1 है so that is what cos theta 0 है, इस पर पुट करो ये तो 0 हो गया, so that is 6 है, देखो 6 तो यहीं पे एक ऑप्शन आ रहा है 6, so therefore 7 cos theta plus 6 sin theta, so that is equal to 6 है। अभी क्या है, sin theta is when sin theta इक्वल टू माइनस 3/5, सो कॉस थीटा क्या है 1 - 9/25, सो दैट इज व्हाट 4/5 है, उस पर पुट करो, सो देयरफॉर 7 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा, ठीक है, सो 28/5 माइनस, ठीक है, सो दैट इज व्हाट 18/5, सो दिस इज 10/5, सो दैट इज 2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज द राइट वन। इसी टाइप का क्वेश्चंस जेईई एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इस टाइप का क्वेश्चंस का ऊपर नज़र होना चाहिए। इस टाइप क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करोगे, पहले समझो फिर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चंस जनरली जेईई एडवांस एग्जाम में, सो दिस क्वेश्चन, सो ये एक्चुअली पास जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इक्वल टू 0 है, देन कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, सो आप क्या करोगे, ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस कॉस जेड, एंड सो दिस इज साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस साइन जेड, ठीक है, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लो, ठीक है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, सो दिस इज साइन एक्स प्लस साइन वाई, सो दैट इज इक्वल टू 1, सो दिस इज, देखो यहीं पे ये दोनों से एक 1 आएगा, क्लियर, ये दोनों से भी एक 1 आएगा, एंड सो दिस इज 2 कॉस एक्स, ठीक है, ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, सो दैट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, सो 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 - 2 - 1 है, सो कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/2 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चंस फिर रिपीट हो सकता है, क्लियर। मुझे ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा लगा, स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा करके इसका अरेंजमेंट किया, ठीक है, जो इसको ऐसा इस फॉर्म में नहीं लेके आ पाएगा वो नहीं कर पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, ये था 5 सुपर मोस्ट सैम्पल पैटर्न प्रॉब्लम्स, ठीक है, फ्रॉम रेशियोज एंड आइडेंटिटीज इन दिस वीडियो, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, if you want to crack JEE advanced exams with a great confidence, you have to follow my channel, follow my instructions and follow these problems properly. ये सारे problem को अच्छा ढंग से practice करो, clear. After practicing you feel comfortable in the subjects, clear. Your confidence will be built, your quality and standard will improve and your speed in maths will be improved. So my dear friends, if you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. Don't forget to subscribe my channel Race IIT. Thank you very much for watching my video. That's all my dear friends.